थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेते आया हूँ क्षेत्रफल, ब्रिटिश को मैट्रिक प्रणाली और मैट्रिक तो ब्रिटिश प्रणाली में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे एरिया, किसी भी ब्रिटिश प्रणाली तो एरिया तो सेंटीमीटर, या मैट्रिक प्रणाली में कैसे एरिया। तो आप तो पता है एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, मीटर इंटू मीटर एरिया होता है। तो हमें पता है कि 8 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 8 इंच में कितने सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। अतः हमें 1 इंच इंटू 1 इंच करना है, तो 0.54 इंटू 0.54 था इंटू करना है, तो इंटू करना है तो हमें इंटू करना है तो ये आप पता आ जाता है। मैं आप तो इसमें एक इंटू करने का सबसे इजी फार्मूला बताता हूँ, 0.54 तो 0.54 इक्वल टू पहले 4 इंटू 4 था इंटू तोड़ना है 16 आ जाए तो बच्चा 1, फिर 4 इंटू 5 था इंटू 4 इंटू 5 था इंटू, तो इस तो प्लस था 9 बच्चा 4, फिर 4 था 2 में इंटू तरना है, 4 था 2 में इंटू तरना है, और 5 था 5 में इंटू तरना है, तो ये आ जाएगा आपका 16 20 25 5 25 और बच्चा 4 बचा। अब हमें 5 10 में 10 बचा 2, अब 2 2 में इंटू करना है 4 6, अब पॉइंट ताला दान 1 2 3 4 तो 4 से ज़्यादा पॉइंट ताला दान है, ये आपका आंसर ज़्यादा इस टाइप से अपन इंटू करेंगे। अतः यह होता है एक दर्ज मीटर में 0.836 वर्ग मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में 0.15 वर्ग इंच होते, ये पता होना चाहिए। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट आएगा 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू तर दे, 1 मीटर में 1.1 वर्ग होते हैं, और 1 वर्ग मीटर में 10.76 वर्ग फुट होते हैं। अतः नेक्स्ट 1 फुट में 1 फुट में तो हमें पता है कि 1 फीट में 12 इंच होते, तो 12 इंटू 12 तो 1 वर्ग फुट में 144 इंच होते हैं, 1 मील में 2.59 वर्ग किलोमीटर होते हैं, 1 आरे मैंने बताया तो आरे रहते हैं इसमें 119.6 वर्ल्ड दर्ज होते हैं। नेक्स्ट यूनिट वॉल्यूम, नेक्स्ट यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप तो पता है किसी भी ट्यूब का, किसी भी ट्यूब ट्यूब का निकाला जाता है, तो ट्यूब का निकालने तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर तीनों चीज़ें होता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए 1 धन इंच था 16.387 है, 16.387 धन सेंटीमीटर है, अतः 1 दर्ज धन दर्ज था 0.7645 दर्ज होता है, या 1 दर्ज में 3 फीट होते तो इतना फीट
वन धन फिर तमें, सत्रह तो अट्ठावे धन इंच होता, वन धन सेंटीमीटर 0.06 इंच, वन धन सेंटीमीटर 1000 धन इंच होता है। अतः वन धन सेंटीमीटर में 0.38 धन इंच होता है, धन दर्ज होता है 1 मीटर में 35.38 धन फीट होता है। तो नेक्स्ट है ना वेद, वेद तो ब्रिटिश एंड मेट्रिक प्रणाली में तेज सॉल्व करते हैं वेद यानी किलो, तो हमें पता होना चाहिए कि एट ओ समय 28.35 या 28.35 ग्राम होता है, ए पोन में 453.6 ग्राम होता है, 453.6, या फिर किलो में गिनोते 0.456 किलोग्राम रहते हैं, या औसत में नापना है तो 0.035 औसत होता है, एक ग्राम में 0., यह एक ग्राम होता है 0.034 औसत होता है। एक मेट्रिक टन या टन की बात करें तो 1000 मेट्रिक टन में 0.984 टन होता है, और एक मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम, एक मेट्रिक टन में 1006 मेट्रिक टन होता है। यहाँ पे यह है ये ब्रिटिश मेट्रिक, यहाँ पर ये डाउट ये है कि यहाँ ब्रिटिश प्रणाली में मेट्रिक टन देना ब्रिटिश, और यह मेट्रिक प्रणाली था इसलिए मेट्रिक प्रणाली छोटी है, मेट्रिक प्रणाली टेट होती है। हमने इस टाइम ए टन में 0.1 टन जो है ब्रिटिश प्रणाली में, और ये मेट्रिक प्रणाली में ए टन में 1.06 मेट्रिक टन, यानी ये ब्रिटिश एंड मेट्रिक, और ए टन में 0.16 किलोग्राम होता है, ए टन में 2240 पौन होता है, 1 किलोग्राम में 3500 होता है, 2.4 पौन भी 1 किलोग्राम होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। चैनल अच्छा लगता है शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर।